हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मार्वल ज़ॉम्बी सुप्रीम का एपिसोड 1, जिसमें हम बात करेंगे पेगासस यानी कि रिसर्च फैसिलिटी, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ग्रुप अल्टरनेट सोर्स यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पर एक टीम उन्होंने भेजी है अपने एक मिशन के लिए, जिसमें है कैप्टन हार्पर टीम लीडर, हॉस डेमोलेशन, सोप बॉक्स कम्युनिकेशन, डॉक मेडिक, मेन फ्रेम टेक साइंटिस्ट और टूटन हेवी सपोर्ट। और ये सभी टीम जा रही है अपने मिशन पर, जहाँ पर हॉस अपने कैप्टन से यानी कि अपनी लेडी कैप्टन हार्पर से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मजाक उड़ाते हुए वो उसे ऐसा कर रहा जवाब देती है कि सारे लोग वहाँ पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आगे जाने के बाद नीचे उतरते हुए एक आदमी कहता है, अगर हमारे पास बैकअप होता तो अच्छा होता। और तभी कैप्टन अमेरिका उस हेलीकॉप्टर से उतरते हुए कहता है, क्या किसी ने बैकअप के बारे में पूछा? तब टीम लीडर कैप्टन हार्पर उसे कहती है, तुम मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। इस पर कैप्टन कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ मदद करने के लिए आया हूँ, न कि तुम्हारे काम में टांग अड़ाने के लिए। उस फैसिलिटी का डोर ओपन करते हुए मेन फ्रेम कहता है, ये डोर 40-ton ग्लास फोल्डेड स्टील से बना है, पॉलीवोवन एडामेंटियम फाइबर के साथ, और यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर्स एंगेज्ड है। इसका मतलब किसी ने इसे अंदर से बंद किया है और इसे सिर्फ बाहर से खोला जा सकता है। तब टीम लीडर कहती है कि उसे ओवरराइड करो और जो मैं कहती हूँ वो करो, जो होगा देखा जाएगा। वो दरवाजा खोलने के बाद सब लोग अपने अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और तब कोई बताता है कि 4 घंटे पहले किसी ने पैनिक बटन पुश किया था और इस वजह से सब कुछ शटअप हो चुका है, कम्युनिकेशंस भी, तो हमें नहीं पता कि हमें किसका सामना करना पड़ेगा। और तब मेन फ्रेम बताता है कि अलार्म ओरिजिनेट हुआ था बॉटम से, सिलो के पास से, और मेन पावर ना होने की वजह से हमें वहां तक चलकर जाना होगा। जिस पर टीम लीडर कहती है, मेन फ्रेम तुम यहीं पर रुको और हमारा एग्जिट कवर करके रखो, हमें नहीं पता कि हमें अंदर क्या मिल सकता है और हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितनी देर लगेगी, लेकिन अगर कोई मुसीबत हुई तो हम चिकन बनने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहेंगे। और तब आगे जाकर टीम लीडर और कैप्टन अमेरिका में कुछ आनाकानी होती है, जहाँ पर वो उसे बैटल स्टार बुलाती है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। तब विजर उनका पीछा कर रहा था। अंदर जाने के बाद उन्हें सब तरफ खून दिखता है और उनमें से एक कहता है कि यहाँ पर कुछ ब्रेन मैटर के टुकड़े हैं। तभी एक जॉम्बी उनकी तरफ भाग रहा था, जिसे एक सोल्जर गोली मार देता है और कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, शायद उसे रेबीज था। तब डॉग उसे चेक करते हुए कहता है कि इसके मारने से पहले ही ये मर चुका है। तभी उन्हें मिलते हैं सर्वाइवर्स और वो सिक्योरिटी अनलॉक करके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी उनसे कहते हैं, क्या वो लोग चले गए और क्या तुमने सिक्योरिटी डिसएंगेज कर दी है? अगर तुमने ऐसा किया है तो तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। और तभी अंधेरे में से नाइट हॉक आकर सब लोगों को खाने लगता है, लेकिन वो सभी साइंटिस्ट की आड़ ले रहा था, इस वजह से उसे शूट करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक सोल्जर कहता है, चिंता मत करो, मैं अभी उसका सिर उड़ा देता हूँ। तभी हाइपरियन पीछे से कहता है, ऐसा करने की सोचना भी मत। और तब हम देखते हैं स्क्वाड्रन सुप्रीम के सारे लोगों को, जिसमें शामिल थे ब्लू ईगल, नाइट हॉक, पावर प्रिंसेस, द शेप, गोल्डन आर्चर, लेडी लार्क, विजर, एम्फीबियन, और उन सबका लीडर था हाइपेरियन। और उन्हें देखकर डॉक उनकी तरफ भागते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तुम बीमार हो। लेकिन हाइपेरियन उसी का हाथ उखाड़ कर खाने लगता है और तब सारे लोग उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन हाइपेरियन पर हमला करना यानी कि किसी वॉल पर पत्थर मारने जैसा था। और तब डॉक्टर को ये एहसास होता है कि वो लोग जॉम्बीज है। इतना होने के बाद उसे अब पता चला कि वो लोग जॉम्बीज थे। थोड़ी देर बाद हाइपेरियन कैप्टन हार्पर की तरफ बढ़ता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका बीच में आकर उसे अपनी शील्ड से वापस ढकेल देता है और कैप्टन से कहता है, तो क्या मैंने तुम्हारे काम में टांग अड़ाई? तभी पावर प्रिंसेस आकर कैप्टन को पीटने लगती है और यहाँ पर विजर और हाइपेरियन बाकी लोग भारे पड़ने लगते हैं। लेकिन पावर प्रिंसेस से लड़ते हुए कैप्टन हार्पर कैप्टन अमेरिका से कहती है, पीछे मत हटो बैटल स्टार, तुम्हें मेरी तरफ से फुल परमिशन है किसी औरत को मारने के लिए। इस पर कैप्टन कहता है, ये तुम्हारे लिए कहना आसान है, और यहाँ पर अभी भी जंग जारी थी। यहाँ पर हाइपेरियन उस पूरी टीम पर अकेला ही भारी पड़ रहा था और एक एक करके सारे सोल्जर्स को खा रहा था। तब एक साइंटिस्ट आकर कैप्टन हार्पर को एर्गोनाइट का एक पत्र देता है और कहता है, यही एक चीज है जो हाइपेरियन को कमजोर कर सकती है, हमने इसे किसी ऐसे ही इमरजेंसी के लिए रखा था। और तभी लैब के बाकी मेंबर्स स्क्वाड्रन सुप्रीम की तरह ही जॉम्बी वायरस का शिकार हो जाते हैं और उन्हें मारते हुए कैप्टन हार्पर वो पत्थर हाइपेरियन की तरफ फेंकती है, लेकिन विजर और बाकी के लोग हाइपेरियन को उस पत्थर से अलग कर देते हैं। तब कैप्टन अमेरिका कहता है,
हार पर मैं उन सुपर जॉम्बीज को मारने का कोई तरीका ढूंढता हूँ, तो हार्पर कहती है। और इस बीच मैं यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढती हूँ, और तभी एक दरवाजे पर वो लोग डायनामाइट लगा रहे थे। तभी कैप्टन हार्पर एक लैपकोट से पूछती है कि यहाँ पर हुआ क्या था और क्या ये स्क्वाड्रन सुप्रीम है। इस पर वो बताता है वो है भी और नहीं भी। तब वो पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तब वो साइंटिस्ट बताने लगता है कि जब स्क्वाड्रन सुप्रीम यहाँ पर आए तो वो गेस्ट की तरह थे, लेकिन वो गेस्ट थे ही नहीं। तब हमें से एक यानी कि डॉक्टर मॉर्टिमर डायू ने उन स्क्वाड्रन को इस बात पर राजी कर लिया कि उनका डीएनए कोड कुछ हद तक मेडिकल साइंस में बहुत बड़े बड़े आविष्कार कर सकता है। और इसलिए डॉक्टर स्पेक्टर ने उनका पावर प्रिज्म यूज किया क्रिएट करने के लिए हार्ड लाइट कंस्ट्रक्ट उनके टीममेट्स के इंडिविजुअल गैलेक्सीज के लिए। और जब स्क्वाड्रन सुप्रीम वापस गए तब जायो ने एक एनर्जी सोर्स के जरिए उन्हें रीएनिमेट करने की कोशिश की, और वो एनर्जी सोर्स था जेटारेज, जो कि सिर्फ एक्सेसिबल थे ऑर्बिटल पार्टिकल्स कलेक्टर के थ्रू, और वो नेगेटिव चार्ज एनर्जी प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब वो उन्हें एनिमेट करने गया तब उनके ब्रेन सेल्स डेड थे, और वो रे नॉर्मल ब्रेन सेल्स को डेड कर देती थी, लेकिन डेड ब्रेन सेल्स के साथ उसका असर उल्टा हो जाता था, और तब सारे क्लोन्स ह्यूमन फ्लैश के लिए भूखे बन गए। तब वो आगे पूछती है कि स्क्वाड्रन सुप्रीम का कोई मेंबर बचा है, जिस पर वो कहता है हाँ एक बचा है जिसका नाम है न्यूक, लेकिन वो बाकियों से बहुत अलग है। वो सीधा चला गया न्यूक्लियर डिस्पोजल के अंदर, पता नहीं क्यों लेकिन वो चला गया। और तब बाकी के लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक कमरे के आगे खड़े होकर वो पूछती है क्या अभी भी और सरप्राइजेस स्टोर किए हुए हैं। इस पर वो साइंटिस्ट कहता है अगर तुमने पूछ ही लिया है तो उस दरवाजे के पीछे देखो। और तब उसे एक कंटेनर मिलता है जिसे देखकर वो कहती है आखिर ये है क्या। इस पर वो साइंटिस्ट बताता है जब हमने जेटारेज के लिए स्पेस में कुछ लॉन्च किया तब हमें कुछ पार्टिकल्स मिले मिस्टिकल एनर्जी के साथ, और ये वही है। ऐसा लगता है कि इनके साथ रिक्वायरमेंट से पूरे जनरेटर की। तभी दूसरी तरफ स्क्वाड्रन सुप्रीम के लोग हाइपेरियन को मैग्मा में से तैरकर बाहर जाने के लिए कहते हैं। इस पर वो कहता है क्या ये करना जरूरी है। जिस पर नाइट हॉक कहता है हाइपेरियन तुम अकेले ऐसे हो जो इस सबसे सर्वाइव कर सकते हो। और हाइपेरियन उस मैग्मा पूल में कूद जाता है और बाहर निकलता है दूसरी तरफ अर्थ के सेंटर को चीरता हुआ। क्या अब जॉम्बी हाइपेरियन पूरे शहर या फिर पूरी अर्थ को इन्फेक्ट कर देगा, और क्या वो यहाँ पर आकर अपने दोस्तों को फिर से आज़ाद कर देगा। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।